Hi guys, what's up? Am I audible, visible? Can someone confirm? Check, check, check. Hello, hello. What is up, guys? Good afternoon, everybody. Can someone confirm whether I'm audible, visible? Please check. So we can start with the class. Hi Tripti, what's up? So welcome to the class guys, and आज से हमारा ICAI के जो MCQ है वो क्लास शुरू हो रही है। तो माई सेल्फ सी अभिषेक बंसल, आई एम फ्रॉम बॉम्बे, एंड जिन भी बच्चों ने अपना रेगुलर लिया है, जिन्होंने अपना सुपर फास्ट ट्रैक लिया है, जिन्होंने अपना एग्जाम ओरिएंटेड बैच लिया है, सबसे पहले थैंक यू गाइज एंड आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड इट। आई होप यू गाइज हैव मेड द नोट्स वेरी वेल एंड यू आर रिवाइजिंग इट फ्रॉम द नोट्स। So as promised, as assured that I'll be doing ICAI MCQs on the YouTube. So from today we have scheduled the session, and Sunday, Monday both are holidays because of Holi. Tuesday, Wednesday, Thursday, 10:30 I think a.m. 10:30 a.m. I have scheduled the class. 10:30 a.m. तो वहाँ पर हम MCQs करने वाले। तो जितने भी चैप्टर्स में MCQ है तो वो 4 दिन में हर दिन 4-4 चैप्टर डिवाइड करके वो हो रहे हैं। तो 10 से 15 मिनट लगेगी हर MCQ को करने के लिए। तो मैं आपको मॉडल के MCQ कराऊंगा। अभी तो फिलहाल मॉडल के जो बीच में जो नए ऐड हुए हैं मॉडल में वो कर रहे हैं अपन। फिर किसी ने मुझे कल ही बताया कि ICAI के सीडीएस पोर्टल पे भी आए हैं तो वो भी कर लेंगे अपन। पहले अपन जो ICAI के मॉडल के बीच के एमसीक्यूज है वो है। ठीक है, इस अटेम्प्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपका ICAI का स्टडी मटेरियल, मॉड्यूल, स्टडी मैट, व्हाटएवर यू कॉल दिस एज, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डू नॉट लीव TYU, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, डू नॉट लीव पीछे टेस्ट योर नॉलेज के जो क्वेश्चन है, दोनों अलग अलग चीज़ है। टेस्ट योर नॉलेज जो मॉडल के पीछे के क्वेश्चन है, TYU जो मॉडल के बीच में है। नहीं मिल रहा है, कंट्रोल F करके मॉडल के बीच में सर्च कीजिए TYUs, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपल हु हैव टेकन रेगुलर बैच, पीपल हु हैव टेकन SFT एंड FT एग्जाम ओरिएंटेड, वी हैव डन इट इन क्लास। ओके, पीपल हु आर वाचिंग मी ऑन यूट्यूब, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सॉल्व इट बिकॉज दोज आर न्यू क्वेश्चन। कोई भी आपके टीचर की बुक में, ऑथर की बुक में वो नहीं मिलेगा, वो सब नया क्वेश्चन है, कोई टेस्ट सीरीज में नहीं मिलेगा, उनको ढंग से करके जाइएगा। ठीक है, तो आज के 4 चैप्टर्स है। ग्रुप ऑडिट है, PSU है, ESG है, और एक बैंक ऑडिट। बैंक का मेरा रिकॉर्डिंग चल रही है, उसके लास्ट पार्ट पेंडिंग है, वो 2-3 दिन में अपलोड कर दूंगा। उसके बाद बैंक करेंगे अपन। तो जो NBFC के पार्ट है वो कर लेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं ग्रुप ऑडिट से। तो आपके पास अगर मॉड्यूल है वो खोल लीजिए, अगर नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिएगा बाद में। अभी आप स्क्रीन पर देखिएगा, राइट नाउ आई एम जस्ट डूइंग MCQs, मैराथन इज गेटिंग रिकॉर्डेड, इट विल टेक 3-4 more days, बाई द एंड ऑफ बिफोर द एंड ऑफ दिस मंथ इट विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज पहला क्लास, पहला चैप्टर, ग्रुप ऑडिट्स के MCQs। कुछ नहीं करना, मैं सामने क्वेश्चन रीड करूंगा, आपको वहां पर आंसर लिखना है। कोशिश कीजिए, आपको कितना आता है। बहुत सारे लोगों ने पढ़ रखा है, बहुत लोगों का रिविजन चल रहा होगा, किसी का सेकंड रिविजन चल रहा होगा। जस्ट इवेल्युएट योरसेल्फ, MCQs कॉन्स्टिट्यूट 30 मार्क्स ऑफ योर पेपर। Are you guys ready? Please write in the chat if you guys are ready. मैंने बेटा PDF नहीं बनाया, ICAI के मॉड्यूल आपको दिए हो गए, थोड़ी सी मैं खुद से भी करो, मॉड्यूल मंगा लो या मॉड्यूल की PDF डाउनलोड कर लो, थोड़ा सा मैं खुद से भी तो करो। चलो, तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस आपको देखेंगे सामने स्क्रीन पर। मॉड्यूल का पेज नंबर है 13.28। इट सेज व्हाइल ऑडिटिंग द CFS। तो यहाँ से आपको हिंट मिल गया कि CFS का क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा, अगर पूरा कॉपी पेस्ट का बहुत अच्छी बात है, अगर पूरा नहीं आता तो हर एक चैप्टर में से एक एक पॉइंट उठा के एक बड़ा सा MCQ बना के आपको दे देगा वो, तो ध्यान रखेगा ये चीज। तो व्हाइल ऑडिटिंग द CFS ऑफ YK इंडस्ट्रीज लिमिटेड फॉर द ईयर 2020 to 2023, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हुज FS आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एज पर डिवीजन 2 ऑफ शेड्यूल 3 ये प्लस शाह नोटिस एज अंडर। क्या कहता है? द नोट्स टू अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ CFS डिस्क्लोज एडिशनल इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द होल्डिंग कंपनी and its subsidiaries. It provides disclosures regarding percentage of the current consolidated assets, PNL and total comprehensive income along with the respective amounts pertaining to holding and its subsidiaries। तो एक पैरा ये हो गया, इसमें कुछ क्वेश्चन होगा। पैरा B, it is noticed that the FS of one foreign subsidiary including CFS are drawn up to 31st December 2022 as per the legal requirements of the US। तो वो foreign component वाला point आ गया। He feels it to be weird and is of the view that the CFS of the group could present a distorted picture। The management in turn informs him that it is not practicable to draw foreign subsidy 31st March 2023। जनरली अपन ने बोला गैप कन्वर्जन वेरीवर एप्लीकेबल, अगर आप मुझसे पढ़ो आपको अलग पॉइंट, गैप कन्वर्जन वेरीवर एप्लीकेबल वो वहाँ तक होना चाहिए, आपको 31st मार्च तक उसको खींचना चाहिए, पर वो मना कर रहा है, नहीं हो पाएगा। हमें नहीं पता क्वेश्चन का लेवल क्या, हम पहले थ्योरी पढ़ रहे हैं। ड्यूरिंग द ईयर 2020 to 2023 गुडविल ऑफ 50 crore had arisen on the account of acquisition of a subsidiary, there is no impairment loss as on the balance sheet date, besides adjustments have been made in CFS with respect to intra group indebtedness and those relating to harmonizing different accounting policies. It is noticed by him that one subsidiary acquired on 15 June 2022, he is in dilemma as regards the correctness of the consolidation. Besides, he is also in the process of financing the audit report including matters to be reported under CARO 2020। तो CARO में subsidiary का clause अगर किसी को याद होगा तो आपकी बत्ती चलनी चाहिए कि कहाँ point attract हो रहे हैं। However, is in fixed in respect of the manner of reporting under CARO 2020 in respect of CFS। तो 5 चीजें ये point है, तो 5 पैरा दे रखे लोग। बहुत सारे लोग क्या करते हैं एक एक पढ़ते, बोलते पहले क्वेश्चन पढ़ लो फिर आपने को आंसर जानना, फिर मतलब आप पहले MCQ पढ़ लो फिर जाने का। भाई मुझे नहीं पता क्या लेवल का MCQ का, सीधे रास्ते से चलो, रास्ता उल्टा मत करो, उल्टे मार्क्स आएंगे फिर। पहला, कंसीडरिंग द डिस्क्लोजर ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन CFS इन पैरा ए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। क्या पूछ रहा है? करेक्ट। एक बार पैरा ए देख लीजिए अभी। द नोट्स टू अकाउंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ CFS डिस्क्लोज एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडीज। इट प्रोवाइड्स डिस्क्लोजर रिगार्डिंग, किसके बारे में? नेट असेट के बारे में, पीएनएल के बारे में, ओसीआई के बारे में, होल्डिंग एंड सब्सिडरी की। ठीक है, चूज द राइट आंसर, चूज द राइट आंसर। अगर आपको थोड़ा सा एफआर का पार्ट पड़ता होगा, थोड़ा सा एफआर का पार्ट, अपन जो डिस्क्लोजर करते हैं वो लोग ने अमाउंट बता रखा है, सोचो क्या नहीं बता रखा है वो लोग ने, आपको मिल जाएगा आंसर। मानस गुप्ता अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, बोला ना मैराथन रिकॉर्ड हो रही है उसकी भी आ जाएगी एक हफ्ते में। कोमल कह रही है डी, बाकी लोग प्लीज राइट इन द चैट जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। रॉन्ग तो रॉन्ग चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नरेंद्र सिंह कह रहा है सी। The notes to account in respect of CFS disclose additional information। क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो लोग ने? परसेंटेज ऑफ दिस कंसोलिडेटेड नेट असेट बताया, पीएनएल का बता दिया, टोटल ओसीआई बता दिया अलॉन्ग विद द रिस्पेक्टिव अमाउंट। मेजॉरिटी बच्चे कह रहे सी, सो आई एम राइटिंग ईयर 1 का सी, 1 का सी। बाद में चेक करेंगे क्यों रॉन्ग है। चेतन बिरला का बी है, कोमल का डी है, बाकी लोग का मेजॉरिटी का सी है। ठीक है, 2, व्हाट शुड बी द प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन पर्सुएंट इन पैरा बी इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन सब्सिडरी। फॉरेन सब्सिडरी का क्या दिक्कत हुआ था? वो लोग ने 31st दिसंबर तक का बना रखा है, हमको चाहिए था कि 31st मार्च तक, पर वो कह रहा है कि इट इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल टू ड्रॉ एफएस ऑफ फॉरेन सब्सिडी टू 31st मार्च 2023। पॉसिबल नहीं है, वो ये कह रहा है। सो व्हाट शुड बी द प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन? Second, सेकेंड। सब लोग सी कह रहे, आई एम मार्किंग इट, मेरे को डाउटफुल लग रहा है, मार्किंग इट फॉर एवरीबडी। थर्ड, कहानी का कुछ यूज नहीं है। थर्ड में कहानी का कुछ यूज नहीं है। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ गुडविल एंड अदर मैटर डिस्क्राइब इन द केस। गुडविल के लिए क्या है? ढूंढो, मिलेगा। कहानी से कुछ भी लिंक नहीं है। थर्ड का क्वेश्चन, थर्ड का आंसर। आराम से पढ़ो, मिलेगा। थर्ड का क्या है? सी भैया, गुडविल ईसीजी। गुडविल इज परमानेंट कंसोलिडेशन। इफ पैसे, जो लोग मुझसे पढ़ चुके हैं, इफ पैसे हार्मोनाइज्ड अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है? वो अपना करंट पीरियड है, सीपीसी है वो। थर्ड का इज सी। कहानी में से कुछ यूज नहीं है। देख लो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप आराम से आंसर कर पाओगे। Concept clarity is very important. Fourth, which of the following is most appropriate in respect of CFS of a subsidiary acquired on 15 June 2022? एक subsidiary को लोग ने एक्वायर किया था, उस पर क्वेश्चन है। Subsidiary acquired. फोर्थ टफ है। फोर्थ टफ। 15 जून को सब्सिडी एक्वायर किया है, 15 जून को। मैं एक बार तो मार्क कर लेता हूँ। तो देखो, 15 जून को अगर एक्वायर किया तो 15 जून से चीज़ें चेक करनी है भाई, पूरे साल के तो कैसे करोगे। तो मेजॉरिटी लोग तो ए ही कह रहे हैं। ए ए ठीक है। फिफ्थ रीजन दिखते बाद में क्या है। फिफ्थ, कारो को एक रेफरेंस दिया था, तो एज पर कारो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ। कारो का क्लॉज नंबर 20 अगर आपको याद है तो आप एकदम इजीली आंसर कर पाओ। बताइए, कारो का क्लॉज नंबर 21। भाव भाव सिंपल छे, भाव सिंपल छे। जिसने कारो पढ़ रखा है उसको याद होगा ये चीज। क्लॉज नंबर ऑप्शन नंबर डी, अलो एडवर्स और क्वालिफाइड रिमार्क इन द कारो रिपोर्ट्स ऑफ द सब्सिडी। याद ऐसा कुछ, वो चेक कर ले आंसर को। मुझे भी नहीं पता कौन से राइट है कौन से रॉन्ग है। बी, सी, सी, ए, डी। फर्स्ट रॉन्ग है आपका, फर्स्ट इज बी, आईसीआई ने दिया है बी। As percentage of OCI along with the respective amount to the holding company and its subsidiaries also required. Percentage of consolidated net asset दिया, of consolidated P&L दिया and of total comprehensive income along with the respective amount pertaining to holding दे रखा है लोग ने। सर percentage of OCI नहीं दिया है लोग ने, तो इसका आंसर है B। सेकेंड में जो डाउट था, सेकेंड में सेकेंड वन इज राइट सी। अगर वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो मैनेजमेंट का आप रीजन बाय आउट कर लो कि मतलब ठीक है हम अग्री कर रहे हैं। नंबर टू, आपको वेरीफाई तो करना पड़ेगा ना चीज़ों को, तो यू सी ये रीज़न नहीं है मॉडिफाई करने का। तो मेरे को कन्फ्यूजन ए और सी में तो बहुत लोग को होता है यहाँ पर, नहीं पॉसिबल, नहीं पॉसिबल यहाँ पर। तो इट इज़ द ड्यूटी टू वेरीफाई द इवेंट्स फ्रॉम 1 जनवरी to 31 मार्च। जो इवेंट उसका एडजस्टमेंट करवाना पड़ेगा अपने को। फिर थर्ड वाला वॉज वेरी ईजी है, तो सी पी सी और पी सी ए के बारे में तो आपको बता दिया था मैंने। फोर्थ वाला ए क्यू है। सर पहला चीज़ तो आपने अगर 15 जून को एक्वायर किया है तो अपनी बुक्स में तो 15 जून से आप रिकॉर्ड करोगे। अब देखो यहाँ पर कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर दिख रहा है, यहाँ पर कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर दिख रहा है, तो ये तो कट हो गए क्योंकि पूरे साल का थोड़ी रिकॉर्ड करेंगे अपन। अरे जब अप्रैल मई में थी नहीं वो हमारी, तो हम उसके बारे में कैसे बात कर सकते। 15 जून से पकड़ोगे आप, तो 15 जून ये वाला कट हो गया। अब क्या बचता है, ही शुड वेरीफाई इनकम एक्सपेंसिस फ्रॉम द डेट इट गेन्स अ कंट्रोल, फ्रॉम द डेट इट गेन्स अ कंट्रोल। तो पहला लाइन तो सेम है। दूसरा, एंड इनकम एंड एक्सपेंसेस आर बेस्ड ऑन द अमाउंट्स फ्रॉम द एक्विजिशन डेट ना। ये तो कह रहा है प्रीसीडिंग रिपोर्ट नहीं देता है, पिछले साल का 31 मार्च का मेरे को क्या करने का है। मैं जिस दिन उसको अपने घर में लेकर आया उस दिन से अपन पकड़ेंगे ना उसको। तो ये कट गया, बचा क्या ए। तो कभी कभी क्या होता है, आपको आंसर करना पड़ेगा एलिमिनेशन टेक्निक के हिसाब से। पहले हटाओ जो वेस्ट है, ठीक है। फिफ्थ वन डी, तो कारो का पॉइंट है, खत्म, फिनिश। हम लगा हमको यूट्यूब पर जहाँ मैं पूछ रहा हूँ आप आंसर करो, हमको 10 मिनट लगा है। एग्जाम में भी आपको मैक्सिमम 10 मिनट देनी है एक एमसीक्यू, मतलब एक 5 मार्क के 5 क्वेश्चन 10 मार्क के एमसीक्यू, ऐसे बड़े वालों के लिए। अब शायद या तो यही कॉपी पेस्ट कर देगा, या इसमें से जैसे नंबर 3 उठा लिया, नंबर 2 उठा लिया और किसी और के साथ डाल के देख दिया। नए एमसीक्यू से करने पड़ेंगे एटलीस्ट 2-3 अटेम्प्ट तक, तो जब तक ये खत्म नहीं हो जाते तब तक ऐसे पूछेगा। कहाँ पूछेगा, किस लेवल का पूछेगा, मुझे नहीं पता। खुद से करने बैठोगे, बहुत लोगों ने नहीं किया होगा तभी तक मुझे यूट्यूब पर देख रहे हो, खुद से वो नहीं होता है। कैसा लगा गाइस, एक चैप्टर डन। गगन वो शेड्यूल 3 के रिक्वायरमेंट है इंड एएस के हिसाब से। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर उठाते भी, पीएसयू। रोहित शर्मा कह रहे हैं बहुत मोरल डाउन हो रखा है, बाद में बात करते हैं, पहले एमसीक्यू खत्म करते हैं। लास्ट 10 मिनट सुन लीजिए मैं क्या कहूंगा, पहले एमसीक्यू करो आप। अब मैं कह रहा हूँ पीएसयू का पेज नंबर 15.32, पेज नंबर है बच्चों 15.32 मॉड्यूल। अगर किसके पास है तो, अगर नहीं है तो सामने देखिए। 5 पैराज अगेन वापस से वही देखो। SRM and associates are refreshing up their knowledge on functions of various parliamentary financial committees and on the varied functions and duties of CAG in relation to the audit of government institutions and government companies. तो गवर्नमेंट दिखा वहाँ पर, CAG वैग दिखा, तो बत्ती चलनी चाहिए। PSU का क्वेश्चन आ रहा है। They feel that unless they have understood the scope of duties of CAG, they would not be in a position to do justice. तो पहला पैरा हमेशा इंट्रो होता है, फटाफट एड करने का, टाइम वेस्ट नहीं करने का उसमें ना। They have the summarized information derived from such materials including website and CAG are stated below. नीचे दे रखा है, क्या है वो, the CAG report for a particular year contains results of the compliance audit. Okay, of Department of Revenue of Directors of the Union Government, Central Government, dealing with the assessment relating to agricultural income. Income की बात करें. It observed that certain observation relating to allowing of claim for exemption of agricultural income without supplemental documents, use of this area by natural non-agricultural as a conduit to avoid taxes in scrutiny assessment performed by department. तो ऐसा practical life में एक situation हुआ उनके साथ. ठीक है. फिर क्वेश्चन मुझे नहीं पता क्या है. The CAG in one of the reports in respect of state government owned industrial development corporation pointed out non-adherence of OTS guidelines of the state government. Follow नहीं किया by the corporation, resulting in acceptance of below par OTS proposal, thus foregoing recovery of loan amounting to 6.87 crore. The said corporation was providing loans to industrial units. तो ये corporation थी government की जो industrial unit को लोग देती थी, तो वो लोगों ने कुछ गलत काम कर दिया, उसकी वजह से क्या हो गया, वो रह गया 6.87 crores का वो नुकसान हो गया उनको. Annual report of a listed public sector company which is a mini Ratna PSU was also gone through. The said company is engaged in providing diversified services to Indian Railways. A state government owned PSU involved in setting up a thermal power plant in state. The CAG in his report pointed out delay in completion of the work due to failure to decide the type of water treatment. ढंग से काम नहीं कर पा रहे लोग. Besides other reasons leading to delay like frequent changes in layout, retesting of soil by the company. तो ऐसा ऐसा कुछ कांड हुआ. ठीक है. अब पांच क्वेश्चन है, इसमें भी 2 मार्क्स ईच मान लेते हैं. पहला चीज, बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन पैरा एट अबव विच पार्लियामेंट्री फंक्शंस कमेटी, ओ भाई साहब, पार्लियामेंट्री फाइनेंशियल कमेटी लाइक टू एग्जामिन द अबव रिपोर्ट ऑफ कैग. अगर आपको याद होगा 3 प्रकार की कमेटी थी, पैक, ईसी, कोपू. अगर आप मुझसे पढ़ो पैक, ईसी, कोपू. पैक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जहाँ पर हम पैसों की बात करते हैं, ईसी एस्टिमेट, कोपू मतलब रिपोर्टिंग की बात, रिपोर्टिंग की बात. अच्छा ये दिख रहा है कमेटी ऑन कॉमर्स, सर ये तो था ही नहीं, कुछ भी तो कुछ भी नहीं था ना. पैक, ईसी, कोपू पढ़े अपन तो, बाकी जो महंगे वाले जो टीचर है उनके, उनको पता नहीं पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया. पहला पैरा पढ़ो, एक मिनट रुको, क्या है, ईसी है, पैक है, कोपू है. ईसी है, पैक है और कोपू है. द कैग रिपोर्ट फॉर द पर्टिकुलर ईयर कंटेन रिजल्ट्स. रिपोर्ट आराम से पढ़ो. द कैग रिपोर्ट फॉर अ पर्टिकुलर ईयर कंटेन रिजल्ट्स ऑफ द कंप्लायंस ऑफ द डिपार्टमेंट. फिर बाबा पूरी कहानी है. फिर ईसी एस्टिमेट की बात करते, वो तो होना नहीं चाहिए. पैक पैसों की बात करता है, कोपू रिपोर्टिंग की बात करता है. आप लोग पैक कह रहे हो, ठीक है मैं मार्क कर लेता हूँ, मेरे को डाउट जा रहा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ. 1 is B. पैक लेके चलते एक बार, ठीक है मार्क कर लेते एक बार, बाद में देखते क्या है. नंबर 2, कंसिडरिंग द डिस्क्रिप्शन अबाव इन पैरा बी, द अबाव फाइंडिंग इज लाइकली टू फॉल इन विच एरिया, कंप्लायंस, परफॉर्मेंस, प्रोप्राइटी, कॉम्प्रिहेंसिव. तुम्हें क्या था, ये रहा कंप्लायंस है, परफॉर्मेंस है, प्रोप्राइटी है, कॉम्प्रिहेंसिव है. ये अभी चेंज नहीं करने का, अभी इधर देखो, अभी पहले बी देखो. CAG in respect of a state government owned industrial development corporation point on non adherence of OTS guidelines. non adherence of OTS guidelines of state government, सरकार की गाइडलाइंस आपने फॉलो नहीं की है एंड आपको नुकसान पहुंचा. स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आपने फॉलो नहीं की एंड आपको नुकसान पहुंचा. कंप्लायंस ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट, प्रोप्राइटी ऑडिट, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट. निराली दीदी बाद में बात करते हुए, मैंने मार्क किया. नंबर 2 बताइए, स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस फॉलो नहीं की अपन ने, तो कौन सा लग रहा है, अंदर से आवाजें क्या आ रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस फॉलो नहीं की अपने. वो एसआईडीसी ने, जो स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसने स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस फॉलो नहीं की है. तो सर लग तो रहा है हमको कंप्लायंस ऑडिट 2 का A, ठीक है. 3rd, एज रिगार्ड्स लिस्टेड पीएसयू डिस्क्राइब्ड इन पैरा सी, Which of the following statement is most appropriate? एक बार पैरा सी देख लेते क्या है फटाफट. एनुअल रिपोर्ट ऑफ अ लिस्टेड पब्लिक कंपनी विच इज अ मिनी रत्ना PSU was also gone through. The said companies engaged in providing diversified service to Indian Railways. मिनी रत्ना PSU है वो, मिनी रत्ना PSU है. अब आपको बताना है केस से कोई भी लिंक नहीं है, पूरे कॉन्सेप्ट पर है. रीड करके बताओ ऑप्शन. मिनी रत्ना PSU है वो. मेघना जी कह रही है ए. रामचंद्र कह रहा है सी. सी. सर अगर हम लोग PSU की बात करें तो मेंबर की तो बात ही नहीं आती है, तो ये कट हो जाता है, ये कट हो जाता है, बराबर. बचता बी और सी है. मोर अप्रोप्रिएट क्या लग रहा है कि सर दोनों में ऑलमोस्ट सेम है, पर सी में क्या ऐड किया है, कैग कैन ऑल्सो गिव डायरेक्शन. अगर आपको याद होगा डायरेक्शन वाला पॉइंट अपन सप्लीमेंट्री में यूज करते हैं उस लाइन को. तो मोर अप्रोप्रिएट कौन सा आ रहा है, 3 का सी. देख लेंगे बाद में, देख लेंगे बाद में, ठीक है. 3 का सी. फोर्थ Considering the audit of our described para D regarding delay in completion of thermal power plant, the said finding is likely to fall in the domain of financial or compliance. दे रखा है यहाँ पर C financial है और D यहाँ पर compliance है. चलो बताओ, तो ये बहुत easy है यार. ये तो thermal power plant में delay हो रहा है, thermal power plant में delay हो रहा है. कौन सी audit है? सर प्रोपराइटी तो पैसों की बात करता है, फाइनेंशियल तो स्टार्ट ऑडिट होती है, कंप्लायंस तो रूल्स की बात कर रहा है. लग कौन सा है? बी. बहुत इजी है बी. बी. फिफ्थ PSU एंगेजमेंट्स आर जनरली अटेस्टेशन एंगेजमेंट और डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट. ओ AEDRE विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन दिस रिगार्ड. भाई साहब अगर आपने क्लास अटेंड की है EOB SFT रेगुलर तो आपको पता होगा ये. फिफ्थ का आंसर. फिफ्थ इज व्हाट? बी. Fifth is B. Fifth is B. Thank you. चेक करें आंसर्स को. आपको पता है PCDRE, PCDRE अटेस्टेशन एंगेजमेंट तो सर स्टार्ट ऑडिट होती है, अटेस्टेशन एंगेजमेंट तो स्टार्ट ऑडिट होती है, तो ये कट गया, ये कट गया, तो ये अटेस्टेशन तो स्टार्ट ऑडिट होते खाली. मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टार्ट ऑडिट अटेस्टेशन होती है, तो ये कट गया. बचता क्या? बी बचता है. चेक कर लेते आंसर को. टीचिंग, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या पढ़ा भाई साहब. सारे राइट है, सारे राइट है. अब तुम देख लो वो जो कहानी है ना वो वेस्ट है. क्वेश्चन कुछ और आता है, यही होगा आपके एग्जाम में भी, एक्चुअल एग्जाम में भी. कहानी कुछ और होगी, क्वेश्चन कुछ और होगा. अगर आप सोच रहे हो कि मैं मॉड्यूल को छोड़ दूं, ठीक है भैया, रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा. अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो तुम आंसर कर पाओगे MCQ. कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एक और चैप्टर 10 मिनट में खत्म. भाई कॉन्फिडेंस रेज हो रहा है. 2 चैप्टर करा दिए ग्रुप 1 PSU. मैं ये नहीं बोलो कि सेम आएगा, सिमिलर लाइंस पे आएगा. सेम आ गया तो भाई साहब बहुत शानदार है, सोने पे सुहागा, जीवन पास. अब की बार मैं पास, मैं पास, मैं पास. इसीलिए बोल रहे भैया कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. जितना अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप आंसर कर पाओगे, नहीं तो भैया अगर आप वो जाओगे जो यूट्यूबर्स है, टेलीग्रामर्स है, कीवर्ड्स पे कॉन्सेंट्रेट करो. अरे घंटा कीवर्ड्स पे कॉन्सेंट्रेट करो. आपको क्रक्स लिखना पड़ेगा जो मॉडल में दे रखा है. मन की बात नहीं लिख सकते हो, मोदी जी वाले नहीं लिख सकते हो भैया, नहीं तो मार्क्स कमर जितने आएंगे 32, 34, 36। प्लीज हैव अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, क्योंकि पहला अटेम्प्ट है नया सिलेबस का। भाई साहब कुछ भी आ सकता है, और मॉड्यूल के बाहर तो भैया वो आएंगे तुम्हारे 150 रुपए वाले टेस्ट सीरीज। अभी आया है ना होली का ऑफर, एक टेस्ट सीरीज पे 49 रुपीज, होली ऑफर, होली 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 ऑफर टेस्ट सीरीज। अरे क्वेश्चन कहाँ है? ये तो रे क्वेश्चन, यही तो पूछेंगे वो लोग भी, और तुम उसका पैसा दे रहे हो। ज़्यादा पैसा आ गया तो मेरे स्विस बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट करवा दीजिएगा, मेरे को नया BMW लेने का अपना काम आएगा। मैं 4 बार अनाउंस करूँगा, खिड़की से बाहर निकलते भेंट करता CA फाइनल के यूट्यूब वाले बच्चे, और फिर वो लोग क्या क्लेम करेंगे, मेरी टेस्ट सीरीज से पेपर आया, मेरी टेस्ट सीरीज से। जबकि ICAI कभी नहीं बोला कि मेरे बुक से आया, क्योंकि आधे लोग को तो पता ही नहीं था कि ICAI की बुक से पेपर आया। तो wherever you have studied from, whoever is watching me live or recorded, people who have studied through me, they know it, okay? बाकी लोग जो बाहर से पढ़ रहे, बाहर से देख रहे, भाई साहब कॉन्सेप्ट एंड ये जो है ना टेस्ट योर नॉलेज, और बीच में आपको मिलेंगे TYU। इसमें तो एक भी TYU नहीं है। TYU भाई साहब टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। इसमें नहीं एक भी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। हाँ है, ये रहा ऐसे वाले TYU, ठीक है। तो भैया ये ढंग से करना, ये सब न्यू क्वेश्चन है, कोई भी टीचर के ऑथर की बुक में नहीं है, ये सब मॉड्यूल में दे रखा है ICAI ने, इसको करके जाना, ठीक है। 2 चैप्टर डन। 3rd चैप्टर ESG। थर्ड चैप्टर हमारा ESG। लेवल वाले हैं, अग्रीड। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ESG और डिजिटल ऑडिट, भाई साहब क्या प्यारा चैप्टर है ESG और डिजिटल ऑडिट, दोनों मिला के 20 मार्क मान के चलो। ऑटोमेटेड एनवायरमेंट था, अगर आप लोग ओल्ड सिलेबस वाले, ऑटोमेटेड था, हर टाइम में 4 मार्क का आता था। अब उन्होंने घुसेड़ के रिमोट ऑडिट यानी ये प्रकार का ऑडिट, वायरस यानी ट्रोजन, मालवेयर सब डाल दिया है। तो 4+4 8 मार्क का तो मिनिमम, 1-2 मार्क MCQ। ESG क्योंकि न्यू चीज है, जो पीछे का पार्ट है ना BRSR वाला पार्ट जो है पीछे, बिजनेस रिपोर्टिंग एंड बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, इंडिया में क्या है, ऑडिटर का क्या रोल है, 17 SDG, 9 प्रिंसिपल। भाई साहब वो रट्टा मार लो, नहीं समझ में आ रहा एग्जाम में दिखेगा, क्योंकि वो नया चीज है, ठीक है। आ जाओ, तो मॉड्यूल का पेज नंबर है बेटा 18.29। फटाफट करते हैं, अगेन 38 पे शुरू किया, देखते 48 तक होता है कि नहीं होता। क्विक पुश फाइनेंस लिमिटेड इज वन ऑफ द टॉप 1000 कंपनीज बाय मार्केट कैप एज पर सेबी सर्कुलर BRSR। ये आ गया, उसी पे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फॉर श्योर, क्योंकि इंडिया में वही एप्लीकेबल है। बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट बेस्ड ऑन ESG पैरामीटर्स मैंडेटरी फ्रॉम दिस ईयर टू टॉप 1000 कंपनीज। तो ये थियोरी दे दी है लोग ने। द कंपनी इज एन NBFC एंड इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग फाइनेंस फॉर कमर्शियल व्हीकल्स, ठीक है। अब द रिपोर्ट इज टू बी प्रिपेयर्ड इन 3 सेक्शंस, A, B, C। अगर आपको पता होगा, हम लोग हमारा कोड था GMP, जनरल डिस्क्लोजर्स, M मैनेजमेंट प्रोसेस डिस्क्लोजर, एंड C वाज प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर्स, परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर GMP, ठीक है। अंडर दिस सेक्शन information sought on each of the 9 principles of NGRBC. This information is categorized on 2 indicators, essential indicators and leadership indicators, ठीक है। The said company has an anti-corruption, anti-bribery policy which is available on the website. Besides, the company has conducted awareness program for its dealers, highlighting the related governance practice of the company. The company is sensitive to international concerns. It has established mechanism to recycle hazardous e-waste as per applicable law. For the disposal of paper waste is also made responsibility. It is also a member of story चल रहा है 5 prominent industry, ठीक है, 5 prominent industry chambers trade association including FICCI, CII, ASSOCHAM. Then besides regular input to government, regular input to government are provided by the company through various forums for improvement in administrative process related to automobile and financial sectors. One of the NGRBC principles say the business should promote inclusive growth and equitable development. हाँ, एक है प्रिंसिपल. The scope of this principle is wide and quite encompassing. Many actors of company could fall under the promotion of inclusive growth and equitable development. The CFO of the company is clueless as to the preparation of BRSR. Help him. ठीक है सर क्वेश्चन. तो ये 9 प्रिंसिपल पर ही क्वेश्चन है. ठीक है, जो मुझसे पढ़ सके उनको मैं कोड बता दूं. ई सेश एपिक. एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी. एस से था सेफ एंड प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज. सेफ प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज. ई से था एक एनवायरमेंटल वाला था, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. एम्प्लॉय वेलबींग. एस से था स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट, ह्यूमन राइट्स. एच ह्यूमन राइट्स. ई वॉज एनवायरमेंटल. पी वॉज पब्लिक पॉलिसी वाला. आई से ये इंक्लूसिव ग्रोथ वाला, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सी से था प्रोवाइडिंग वैल्यू टू द कंज्यूमर. द कोड वॉज ई शेष एपिक. 9 प्रिंसिपल थे. विवेक कुमार रॉन्ग है बेटा. 17 SDG 9 प्रिंसिपल्स है हमारे BRSR के. पहला चीज, एज रिगार्ड्स एंटी करप्शन ब्राइबरी पॉलिसी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर डीलर्स कंडक्टेड ड्यूरिंग द ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी ट्रू. अरे मस्त है. एंटी करप्शन ब्राइबरी पॉलिसी एंड अवेयरनेस ऑफ एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम. बताओ, एक है एसेंशियल इंडिकेटर्स होता है और एक है लीडरशिप इंडिकेटर. एसेंशियल होता है मैंडेटरी, ऐसा से कहता है एसेंशियल होता है मैंडेटरी. लीडरशिप होता है वॉलंटरी. ठीक है, आराम से यूज करो कॉमन सेंस, बैठेगा दिमाग में. सोचो कॉमन सेंस है तो एंटी करप्शन ब्राइबरी पॉलिसी कैसे होनी चाहिए. मैंडेटरी या वॉलंटरी, उसको अपोजिट दूसरा हो जाएगा. ढूंढो. ये कह रहा है दोनों एसेंशियल है, ये कह रहा है दोनों लीडरशिप है, ये कह रहा है एंटी करप्शन एसेंशियल है, अवेयरनेस लीडरशिप में आ जाता है, एंटी करप्शन लीडरशिप है, ऑर्गेनाइजेशन ब्ला 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 एसेंशियल है. सोचो अब अगर ये बच्चा कोई 9 प्रिंसिपल नहीं पढ़ कर गया और अगर 5 क्वेश्चन 2 मार्क 10 मार्क, भाई साहब स्टेक पे. नया चैप्टर है, करके जाना भाई, नया चैप्टर है. बोलो सर एंटी करप्शन की पॉलिसी तो सर मैंडेटरी होनी चाहिए ना सर. हाँ, अवेयरनेस प्रोग्राम तो सर वॉलंटियर चल जाएगा. तो 1 का क्या बोल रहे हो आप, सी. 1 का सी. वेरी गुड सी स्टडी. ओ भाई साहब, अगर तुमको प्रिंसिपल नहीं याद है तो कर लो तुम्हारा कितना भी YouTube, कर लो तुम्हारा कितना भी टेलीग्राम पेपर पैटर्न ये ना वो. भाई साहब प्रिंसिपल पूछे, कर लो तुम कोडिंग ऊपर नीचे, भैया प्रिंसिपल नहीं हिल सकते. क्या पूछा, एज रिगार्ड्स एस्टैब्लिश मैकेनिज्म रिसाइकल ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड डिस्पोजल ऑफ पेपर वेस्ट बाय कंपनी, व्हिच ऑफ द एनजीबीआरसी प्रिंसिपल्स आर इन्वॉल्व. तो आपको वो कोड याद होना चाहिए. ई शेष एपिक, Hazardous waste. तो पहले मार्क करो 5वां नंबर और 9 दूसरा, 5वां, 6वां, 9वां. दूसरा है, 5वां है, 6वां है, 9वां है. तो पहले स्ट्राइक ऑफ करो जो वेस्ट है. एच से था ह्यूमन राइट्स, तो ह्यूमन राइट्स तो कुछ काम का नहीं है, ये कट हो गया. ठीक है, नहीं सॉरी, 5वां कट हो गया. 6वां ये एनवायरनमेंट के बारे में कुछ बात करता है, एनवायरनमेंट. 9वां कंज्यूमर को वैल्यू होनी चाहिए, कंज्यूमर को वैल्यू, वैल्यू कंज्यूमर को तो ये नहीं बैठ रहा. चलो मैंने आपको हिंट दे दिया, अब ढूंढ के दो मुझे. नंबर 2 सेफ एंड सस्टेनेबल गुड्स एंड सर्विसेज है. सेफ एंड सस्टेनेबल गुड्स, नंबर 2 है सेफ एंड सस्टेनेबल गुड्स. बताओ तो जब एनवायरनमेंट की बात है तो मतलब 6वां तो आएगा ही आएगा. एनवायरनमेंट की अगर बात हो रही है तो एनवायरनमेंट की बात हो तो 6वां तो आएगा. आप ढूंढ लो 6वां वाला कौन सा. ये कट हो गया, ये कट हो गया. 9 होता है कंज्यूमर का वैल्यू. सर हैजार्डस वेस्ट में कोई वैल्यू नहीं हो रही है. मतलब मैं बोलता अगर मैंने ऊबर बुक किया है तो ऊबर का जो प्रोडक्ट है सर मेरे को वहाँ पर टैक्सी मिल रही है, जोमेटो से मेरे को घर बैठे खाना मिल रहा है, वो मेरे लिए वैल्यू है. तो सर ये भी नहीं बैठ रहा. कौन सा बैठ रहा है, 2 का डी. 2 का डी. तो भाई साहब प्रिंसिपल याद होने चाहिए, ठीक है। अब तुम कितना भी वो चल लो, पेपर पैटर्न नहीं है भाई साहब, आईसीआई गेम करेगा और आना चाहिए, मजा आएगा। ओह एक और, नाम नहीं दिया, प्रिंसिपल के नंबर दे दिए। Considering the description of membership of various industry chambers, trade association providing inputs, inputs to government. आप सरकार को कुछ input दे रहे हो। Improvement in admission process. Which of the following principles referred to? इसमें use किया है कौन से? three, four, seven, eight. ये तो एम्प्लॉय का है तो ये तो नहीं बैठ रहा। फोर्थ होता है स्टेक होल्डर इंटरेस्ट, वो नहीं बैठ रहा। पी है पब्लिक पॉलिसी एंड रेगुलेटरी पॉलिसी, सॉरी पब्लिक पॉलिसी एंड रेगुलेटरी पॉलिसी, एंड आई है इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आंसर थ्री का आंसर कीजिए। चेतन कह रहे डी, गगन एंड रामचंद्र कह रहे ए, तो दो और टू और टू टाइट चल रहा है, टाइट चल रहा है। कोई और बताओ। डी आ गया, डी आ गया, तो डी के साथ जा रहे हैं मार्किंग इट फॉर अदर्स। फोर्थ, अगर इंक्लूसिव ग्रोथ की थियोरी आती है तो ये आंसर हो सकता है, नहीं आती तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। Which of the following activities related to the principle that the business should promote inclusive growth and equitable development? सबकी भलाई लेके चलो, अपनी भी और लोगों की भी, ढूंढ के बताओ। फोर्थ का आंसर। मेरे डॉट के बाद फोर्थ का आंसर। कोई बच्चा ये चैप्टर को ऑप्शन में लेके गया और सेम अगर केस स्टडी आ जाती है 10 मार्क्स टेक पे, फिर गाली देते रहना आईसीआई को, टीचरों को, ट्यूटर्स को, यूट्यूबर्स को। मैं तो पूरा पढ़ के गया था, मेरे साथ ऐसा ऐसा कर दिया। बोलो। फोर्थ का ए CSR, उसकी लिस्ट में दे रखा है CSR। फिफ्थ बहुत इजी है। Which the following is true in respect of essential indicators and लीडरशिप इंडिकेटर? एसेंशियल तो मैंडेटरी हो गया, लीडरशिप वॉलंटरी हो गया, बहुत इजी है। फिफ्थ का आंसर। हिमांशु शर्मा आप गलत हो बेटा, एसेंशियल मैंडेटरी होता है, एसेंशियल का मतलब ही मैंडेटरी है ना बेटा। फिफ्थ इज बी, फिफ्थ इज बी। देखो अभी सी डी डी ए बी, वो पब्लिक पॉलिसी, अगर आप सरकार को बताओ तो पब्लिक पॉलिसी एंड रेगुलेटरी पॉलिसी का आपका प्रिंसिपल है वो। चेतन आपका रॉन्ग था, एक दो और लोग का रॉन्ग था वो, बाकी मेजॉरिटी लोग का राइट है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, अगर सेम MCQ बनकर आता है या अगर इसी लाइन पे आता है, अगर आपको प्रिंसिपल याद नहीं है, कोड इज ई शेप अपन ने क्लास में किया हुआ है, तो नहीं होगा। जिन्होंने भी किसी और से पढ़ रखा बेटा प्लीज रिवाइज। हमारा सुपर फास्ट एक बैच है 50-65 आवर्स का वो बैच है जहाँ पर हमने नोट्स भी लिखे, हमने क्विकली रिकॉल भी किया हुआ है और सेम ईओबी में मैंने समझाया, सेम रेगुलर में भी समझाया। अगर तो आपका कोई भाई बहन हो जो एग्जाम दे रहा हो नवंबर 24 में 25 बता दीजिएगा। रेगुलर भी है, एसएफटी भी है, ईओबी भी है। पीपल फ्रॉम साउथ चेन्नई, हैदराबाद एंड आंध्रा चेन्नई एंड कर्नाटका पीपल, और यू गाइज इट इज 100% इंग्लिश बैच। यू कैन चेक ऑन आवर वेबसाइट www.letslearnindia.in। तीसरा चैप्टर हो गया। कैसा लगा? 13 मिनट लगी हमें। कैसा लगा गाइस? हो रहा है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रेज हो रहा है। थैंक यू ईशा जी, थैंक यू। अच्छा, बैंक के पार्ट में इंटीग्रेटेड एमसीक्यूज नहीं है। एक मिनट चेक कर लेते एक बार। नहीं है, है। तो बैंक ऑडिट जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना तो मैं तब कराता हूँ बैंक ऑडिट का एमसीक्यू, क्योंकि अभी तक हुआ नहीं हमारा बैंक ऑडिट और किसी का भी नहीं हुआ है। पीपल वर स्टडी थ्रू मी, तो व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग तब ये कर लेते हैं इसको, बैंक वाले को। अभी मैं आपको एनबीएफसी का करवा देता हूँ। तो गाइस बैंक पेंडिंग रहेगा, वो जो बैंक ऑडिट जब आएगा आप उसमें से देखोगे। अभी मैं करा रहा हूँ आपको एनबीएफसी वाला। एनबीएफसी टाइटल में लिखा हुआ नहीं था, एनबीएफसी वाला करा रहा हूँ आपको। ठीक है, आ जाओ। मॉड्यूल पेज नंबर है 14.117। मॉड्यूल पेज नंबर 14.117 क्या कहता है? सीए परंपरा इज द स्टार्ट ऑडिटर ऑफ लोहित फाइनेंस लिमिटेड, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्किंग प्रीडोमिनेटली इन द स्टेट पॉपुलर डिस्क्राइब एज 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इट इज अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी केटरिंग टू क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स ऑफ रूरल एंड सेमी अर्बन हाउसहोल्ड्स एंड प्रोवाइड स्मॉल टिकट लोन्स। She has performed audit procedure for 20 to 23 and following information are given. Pehla, the board of directors of company has passed a resolution on 15/22 for non-acceptance of public deposits during the year. ठीक है, क्योंकि कौन सी वाली थी? नॉन डिपॉजिट है। पता है आप लोग ने एक पॉइंट सीखा होगा कि अगर आप एक एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट वाली तो बीआर पास होना चाहिए कि वो लोग डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऑर्डर जाके वो चेक करता है। तो ये वो वाला पॉइंट हुआ। The company has obtained certificate of registration dated so and so from RBI. And it is entitled to hold such certificate of registration in terms of financial assets income tax as on 31st March 2023. वो 50-50 टेस्ट वाला जो पॉइंट अगर आपको याद होगा तो फटाफट पॉइंट्स रिकॉल करते जाएंगे जब आप एमसीक्यू पढ़ोगे। थर्ड पैरा, अच्छा एग्जाम में ये ABCD नहीं लिखा है, वो पैरा बना देगा, ध्यान रखना। वो हर एक पैरा एक क्वेश्चन है, कुछ भी लिंक नहीं है, हर पैरा एक अलग क्वेश्चन है। अच्छा, द कंपनी हैज आइडेंटिफाइड इंस्टेंस ऑफ कैश एम्बेजलमेंट बाय द एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द ईयर। कैश एम्बेजलमेंट फ्रॉड का एक आंसर था। Such instances lead to employees fleeing after collection of installment from customer at some center. The total amount involved is 15 lakhs. 5 lakhs have been recovered subsequently. The matter has also been reported note 35 of the FS. पता नहीं क्वेश्चन क्या है। फ्रॉड की बात है तो एक M1CA वाला आंसर सिखाया था। 14312 reporting of fraud to CG वाला वो भी सिखाया था आपको। OD वाला point important. It falls in the middle layer. याद है बमूट सीखे हो आप लोग? बमूट बेस, मिडल, अपर, टॉप। इंपॉर्टेंट आंसर, रिपीटेटिव है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में। बमूट इट फॉल्स इन द मिडल लेयर ऑफ स्केल बेस्ड ऑपरेशन रेगुलेशन बाय सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट इट्स कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। वो भी स्टेट कर दिया अपने को। क्वेश्चन नहीं पता क्या, मैं जस्ट कॉन्सेप्ट रिकॉल करवा रहा हूँ। ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म बाय हर इंक्लूडिंग टेस्टिंग एंड डिजाइनिंग ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स रिलेटेड टू अलाउंस फॉर लोन्स यूजिंग एक्सपोर्ट क्रेडिट लॉस मॉडल इन अकॉर्डेंस विद Ind AS 109। टेस्ट ऑफ डिटेल्स परफॉर्म बाय हर इंक्लूडिंग वेरिंग असम्पशन रिगार्डिंग ECL कैलकुलेशन। तो स्टोरी है, ठीक है। अब क्या है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव पास्ड अ रेजोल्यूशन फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स ड्यूरिंग द ईयर 22-23 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। NBFC चैप्टर, NBFC चैप्टर में BR पास हुआ है। पासिंग ऑफ बोर्ड फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स बीइंग एन इंटरनल गवर्नेंस मैटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड। Matter of passing of BR for non-acceptance public deposit is a specific matter to be reported under CARO. Matter of passing BR for non-acceptance public deposit is a matter requirement in additional reporting to the board of directors. Matter of passing BR for non-acceptance is a specific requirement in additional report to the board as well as CARO. ठीक है, ये बोलता है not required है, ये बोलता है CARO में report करो, ये बोलता है board में report करो, ये बोलता है board के साथ कारो में रिपोर्ट करो। तो आपको कारो का भी क्लॉज पता होना चाहिए और आपको रिपोर्टिंग, एडिशनल रिपोर्टिंग टू द बोर्ड वाला पॉइंट भी पता होना चाहिए। बताओ कहां पढ़ा है आपने, फर्स्ट का आंसर कहां पढ़े हो? तो कारो में एनबीएफसी पॉइंट है, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स। कारो में तो लिखा हुआ नहीं है, कारो में नहीं लिखा, ये भी नहीं लिखा, तो हट गया। तो बचता क्या है, 1 का C, क्योंकि कारो में तो है नहीं ना वो बात, तो कारो वाले पॉइंट हट जाएंगे। नंबर 2, which of the following is most appropriate in respect of the reporting requirements regarding certificate of registration of the company? आराम से पढ़ना। सेक्शन 45 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट, 45 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कारो, 45 कारो। बोर्ड कारो मतलब तीनों। फर्दर इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्ट इन द एडिशनल रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनीज एंटाइटल्ड टू होल्ड सच सर्टिफिकेट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल असेट्स, इनकम पैटर्न। बोलो विच वन इज मोर अप्रोप्रिएट? डी सर, सब में जरूरी है। तो टू का डी। थ्री, रिगार्डिंग इंस्टेंस ऑफ कैश एम्बेसलमेंट आइडेंटिफाई बाय द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग्स बेस्ट फिट इन द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑडिटर। ओके, कितना जरूरत फ्रॉड हुआ था? 15 लाख एंड 5 लाख। सॉरी, द अमाउंट इन्वॉल्व इज 15 लाख एंड 5 लाख हैव बीन रिकवर्ड। 15 लाख का फ्रॉड था। सच इंस्टेंसेज आर रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड अंडर कारो। कैश एम्बेसमेंट इज लेस देन 1 करोड़, नो रिपोर्टिंग अंडर कारो। सच इंस्टेंसेज आर रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड अंडर कारो एज वेल एज इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट। सच इंस्टेंसेज आर रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड इन 143(3), मतलब वही फ्रॉड वाला पॉइंट, 143(3)। थर्ड का आंसर, आई गॉट माई आंसर थर्ड। थर्ड का आंसर गाइस, थर्ड का आंसर इज ए। भाई 143(3) तो आएगा ना, 1 करोड़ रुपया तो है ही नहीं, तो कारो क्यों अपन रिपोर्ट करेंगे? 1 करोड़ रुपया होता तो इस नीचे के पास आएगा, तो वाला पॉइंट तो आएगा ही नहीं। और कारो में क्या बोले, फ्रॉड ऑन द कंपनी बाय द कंपनी नेचर एंड अमाउंट शुड बी रिपोर्टेड। एक भी रुपए का फ्रॉड आपको कारो में तो रिपोर्ट करना है, तो 3A इज मोर अप्रोप्रिएट। ठीक है, ए इज मोर अप्रोप्रिएट। 4 अब ये थोड़ा सा टफ है। As regards description of the capital adequacy ratio as described in D of case which of the following is meets the regulatory requirement, the auditor has to check verify such ratio has been disclosed, verify such ratio is disclosed NBS 7। अगर आपको pointers याद होंगे additional report वाले 4 part थे A B C D, A general, B accepting deposits, C not accepting deposits और D was वो qualified adverse remark। ये C में से है। अगर आपने नोट्स पढ़ रखे तो आपको याद होगा। 4th का आंसर चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। मोस्ट अप्रोप्रिएट is C, 4 is C। 5th, the auditor has performed audit procedure relating to the allowances for loan losses using ECL as per Ind AS 109. As this involves significant judgment and estimate, state she wants to how it was addressed by her, how she can do that। Testing of controls। 5th, additional report 143.3 वो ABCDEFO वाला EOM पैरा कैम सिग्निफिकेंट मैटर बताओ। सिग्निफिकेंट जजमेंट्स एंड एस्टिमेट्स, अगर थोड़ा सा कुछ हिंट पकड़ पाओगे तो एडिशनल मैटर रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो तो है नहीं इसमें। 143.3 बहुत स्ट्रिक्ट है। ABCDEFO उसमें ये बात है ही नहीं, ये भी नहीं है। अब बचता है C और D। सर EOM का लॉजिक क्या कहता है कि अगर FS में आया है, फंडामेंटल है, तो आप EOM में लिखोगे। ये तो उसके ऑडिट प्रोसीजर्स है। ये क्या बात कर रहा है सर? ये तो ऑडिट प्रोसीजर बात कर रहा है। कैम सिग्निफिकेंट मैटर कैम। C C D D A A C C D D। पांचों राइट है। हो गया, समाप्त, फिनिश। थैंक यू साला पति गयू। तो अगर आप चैप्टर रिवाइज करके बैठे हो एंड अगर आप ये एमसीक्यू करते हो, आराम से एमसीक्यू होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। गाइस कैसा लगा? ये एमसीक्यू वेबसाइट पे मतलब आप यूट्यूब पर ही रहेंगे, डिलीट नहीं होंगे, यहीं रहेंगे, आपको दिख जाएंगे। कॉन्फिडेंस मेंटेन करके चलिए। देखो मॉड्यूल से बाहर से आना बहुत कम चांस है। चीज़ें मॉड्यूल से ही आएगी। कॉन्सेंट्रेट ऑन द मॉड्यूल, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जितना अच्छा लगोगे। मॉड्यूल के पीछे के टेस्ट योर नॉलेज प्लस TYUs जो आ रखे नए वाले एंड प्लस MCQs करके जाओ भैया। मिल गया तो बोनस मांग है, कुछ भी नया वाला नहीं है। ठीक है, मैंने शेड्यूल बना रखा है, वो थंबनेल अपडेट नहीं हुए हैं, वो आज हो जाएंगे थंबनेल अपडेट। 26, 27, 28 10:30 AM 1 घंटे में 4 चैप्टर के MCQ एकदम इज्जत में होते हैं। और मैं कह रहा हूँ खुद से नहीं होता, लोगों से। ठीक है, खुद से नहीं होता है। अगर हो रहा होता तो यहाँ बैठे हुए नहीं होते तुम मेरे साथ 15 मिनट में ये। अब देखो क्योंकि स्पीड एक्यूरेसी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर 3 घंटे में खत्म करना है। अब पूरा दिन बैठ के तो नहीं कर सकते ना। अब हर एक एमसीक्यू का लॉजिक नहीं होता। मैं बोल रहा हूँ अभी भी कोई बच्चा ना कमेंट करके जाएगा समझाया तो नहीं एमसीक्यू। एमसीक्यू समझाया नहीं जाता, एलिमिनेशन टेक्निक निकालनी पड़ती है, क्योंकि 30 मार्क के एमसीक्यूज है। मोटा माटी आप 30-40 मिनट्स मैक्सिमम दे सकते हो एमसीक्यू को, उससे ज़्यादा दे ही नहीं सकते आप। एलिमिनेशन टेक्निक निकाल, और हर पेपर में एमसीक्यू है ना, स्कोरिंग है, स्कोरिंग है। यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद योर कॉन्सेप्ट। जितना कॉन्सेप्ट आपका अच्छा रहेगा उतना आप जल्दी पास हो जाओगे। ठीक है, मॉड्यूल करके जाना, मॉड्यूल करके जाना, मॉड्यूल करके जाना। अगेन अगेन आई एम स्ट्रेसिंग, प्लीज डू मॉड्यूल। ऐसे जैसे तो सब स्कैम है, कुछ काम का नहीं है। सब यहाँ वहाँ से क्वेश्चन उठा के पेपर बनाते हैं। चेक करने वाला भी किसी को नहीं पता कौन है। क्या वो ICAI का चेक करे, नहीं पता। क्या वो CA है, वो भी नहीं पता। उसको कितना टाइम लगा वो भी नहीं पता। अब अगर उस चीज़ के अगर आप पैसे दे रहे हो तो भैया आप दुनिया के बहुत ही महान इंसान हो। समझ रहे हो ना, महान की जगह पर एक वर्ड होता है। पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ो। कीप ऑन रिवाइजिंग अगेन अगेन। ठीक है, तो 26, 27, 28 10:30 AM हम लोग मिलेंगे। नेक्स्ट 4 चैप्टर पूरा 19 चैप्टर्स है। 19 में से कुछ में एमसीक्यूज नहीं है, वो मैं आपको क्लास में करा दूँ, यूट्यूब पे करा दूँ। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग 26 तारीख को। एंजॉय द फेस्टिवल। अगर आप होली खेल रहे हो तो हैप्पी होली, क्योंकि इस होली पे वो किसी और की होली, अगली होली तुम्हारी अच्छी होगी, क्योंकि उस टाइम पे तुम सीए बन चुके होंगे। ठीक है, बाय बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय एंड एम फॉर अ रैंक और 70+ विच इज अर्लियर, क्योंकि अब की बार। डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड अगर किसी को भी क्लास चाहिए तो यू कैन विजिट www.letslearnindia.in, वहाँ से जाके ले सकते हैं। बाय, तो मिलते हैं अपन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 10:30 AM यूट्यूब पर। टेक केयर।